नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है आसाम से। चलिए उस खबर पर नजर डालते हैं। आसाम के हेमंत बिस्व शर्मा सरकार ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ का मॉडल पूरी तन्मयता के साथ राज्य में लागू कर रही है। असम सरकार ने आतंकी गतिविधियों से जुड़े अब तीसरे मदरसे को ध्वस्त करने का निर्णय ले लिया। असम के बोंगाई गांव जिले के कबाईतारी भाग चार गांव में स्थित मरकजुल मां आरिफ वारियाना मदरसे को गिराया जा रहा है। इस मदरसे के इमाम और मौलवी एवं शिक्षक सहित 37 लोगों के आतंकी संगठन अलकायदा भारतीय उपमहाद्वीप और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यह मदरसा आतंकी गतिविधियों का ठिकाना बन गया था। एसपी स्वप्निल डेका ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया। जिला प्रशासन ने एक आदेश में कहा है कि मदरसा संरचनात्मक रूप से कमजोर और मानव विकास के लिए असुरक्षित है। मदरसा की इमारत को एपीडब्ल्यूडी के निर्देशों आईएएस के मानदंडों के अनुसार नहीं बनाया गया है। एसपी डेका ने आगे बताया, कल गोलपाड़ा जिला पुलिस ने भी मदरसा में एक क्यूआईएस एबीटी से जुड़े एक गिरफ्तार व्यक्ति के साथ तलाशी अभियान चलाया था। जिला प्रशासन के निर्देश पर हमने मदरसे को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोमवार 29 अगस्त 2022 को असम सरकार ने बारपेटा में एक मदरसे को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इस मदरसे से जुड़े लोग एक्यूआईएस एबीटी के दो आतंकियों को भी असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बारपेटा के एसपी अमिताभ सिन्हा ने बताया था, पुलिस ने बारपेटा में एक मदरसे में बेदखली का अभियान चलाया है क्योंकि यह अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाया गया था। पकड़े गए दोनों संदिग्धों का लिंक अलकायदा भारतीय उपमहाद्वीप और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से है। अतिरिक्त उपायुक्त लचित कुमार दास के मुताबिक यह मदरसे देश विरोधी गतिविधियों जिहादी संगठनों में शामिल है। जांच में सामने आया है कि यह मदरसा सरकारी जमीन पर बनाया गया है और इसका कोई मालिक नहीं है, इसलिए हमने इसे तुरंत ध्वस्त करने का फैसला लिया। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने बरपेटा जिले के से दो संदिग्ध आतंकियों के गिरफ्तार होने के बाद मीडिया कर्मियों से कहा था, यह दूसरा मदरसा है जिसे हमने ध्वस्त किया क्योंकि वे एक संस्था के रूप में नहीं चल रहे थे बल्कि एक आतंकवादी केंद्र के रूप में चल रहे थे। मैं सामान्यीकरण नहीं करना चाहता, लेकिन जब कट्टरवाद की शिकायत आती है तो हम जांच करते हैं और उचित कार्यवाही करते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।